हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल रखती है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। सर लाहौर से। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये था कि सबसे ज्यादा तो हम बकरे को दे रहे हैं, तकरीबन 4 से 7 किलो जो आपने रिक्वायर हाँ जी, रिकमेंड किया हुआ है, हाँ ठीक है। जी। और अब मैं ये पूछ रहा था इसको ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, इसको ड्राई क्यों होना है? ड्राई मैटर जो है ना, इसको आपने जो राशन है, वंडा है, वो एज के हिसाब से देते हैं। आपका कितना धोंधा हो गया? धोंधा हो गया। आप उसको भले थोड़े से शुरू कर रहे हैं, 1 पाव से शुरू, 250 ग्राम से स्टार्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और 400 500 ग्राम डेली इसको दें। दो टाइम में ये कर लें, पहले आहिस्ता आहिस्ता करें ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी आपके जूं जूं इसका साइज बढ़ता जाएगा, इसकी क्वांटिटी देखें, इसकी फिर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती जाती हैं, फिर आप आराम से भले दो टाइम पे आधा आधा किलो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उतना देना चाहिए जितना वो हजम कर सके। जी ठीक। तकरीबन 1 साल से वो वंडा खिला रहा हूँ। अच्छा, वेरी आपके गुड। बताए आपके जो फार्मर हैं उन्हीं से उन्हीं वो के खिला तहत रहा ठीक हूँ है। तो कितना कितना दे रहे हैं? मैं। तकरीबन उनको फिलहाल एक टाइम ही देखा है, इस टाइम उनको मैं 400 ग्राम एक टाइम दे रहा हूँ। बस ठीक है, 400 ग्राम आहिस्ता बढ़ा दे, 500 कर दे। 500 से ऊपर नहीं जाना। नहीं, अगर उसकी देखो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट उसकी आप चाहते हैं कि और अच्छा ताकतवर हो जाए और फिर ज्यादा वजन गेन करे, तो आप उसमें भले आप इसको ज्यादा कर दें और उसको, लेकिन आप देखेंगे ये ना हो कि उसकी मैंगनियां जो है उनमें वो दाने वाने आने शुरू हो जाएं या उसको लूज हो जाए पेट, ठीक है ना? बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करके डालें, अल्लाह फजल करेगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी बस ठीक है। रिजल्ट नहीं, उसको अलग से 20 ग्राम हर वन उस जानवर को, ये जो बकरे हैं या बकरियां हैं, भेड़े हैं या दुम्बे हैं, उनको मैं कहता हूं कि 20 ग्राम डेली वंडा में वो ऐड कर दिया करें या निटाफास कर दिया करें उसमें। कौमी कैल्सीवेट तो वो बहुत ही अच्छा है, महंगा है, लेकिन 5 ग्राम दे रहा हूँ सिर्फ एक को, नहीं, 20 ग्राम करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है सर। तो सर वो आपने वंडा मीरपुर का ना, मैंने प्रोग्राम देखा था मीरपुर का, आपने एक बंदे को वंडा लिखवाया था जी जिसमें चने थे तकरीबन 40 किलो, आपने उसको 20 किलो बोले थे, तो हाँ, वो मैं, उसकी समझ हाँ सर उसने तो वो प्रोग्राम ही खराब कर दिया, उसका मजा ही नहीं आया क्योंकि आपकी उसने पूरी बात ही नहीं सुनी। चले, मैं छोड़े उसको, मैं आपके लिए अलग से कर दूंगा। और कहते हैं तो अभी मैं जो फरबा करने के लिए खास तौर पे बकरे छतरे जिन्होंने रखे हुए हैं और वो चाहते हैं गजाई अमेजा, तो उसके लिए मैं 3 फार्मूले देता हूं, आजकल दे रहा हूं कुर्बानी के लिए जो रखे हैं। रात को मैंने एक इंडिया का 2 बजे रात को कॉल थी बरेली से, वो देखा है प्रोग्राम बरेली वाला, इंडिया बरेली, वो अभी अभी आज ही आया है, मतलब सहरी के टाइम, ये जाहिर है रात को 2 2:30 बजे वो कॉल, उनको 2 बजे इंडिया के थे, हमारे 1:30 था, 2 बज गए, वो मैंने अपलोड कर दिया था, तो वो उस पे आप देखेंगे, उनको भी मैंने अमेजा दिया हुआ है और वो भी मोटा ताजा करना चाह रहे हैं ये। सर मैं सिर्फ ये पूछना था कि वो जो आपने उसको वंडा बताया था 40 केजी चने थे, आपने बोला 20 डाले क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा, हाँ बंदा हाँ खर्चे से डर रहा था, वो ये नहीं देख रहा मेरे जानवर पेट भर के। नहीं, वो नहीं है, मकसद ये होता है कि ये जब डालते हैं ना हम लोग, मैं वो छोट थोड़े या ज्यादा करता हूं,
वो इसलिए करवाता हूं कि सस्ता बनना चाहिए, महंगी चीज बन जाएगी तो वो कई लोग, अब लाहौर से एक काल थी, वो बरखुरदार बच्चा कहता था नहीं जी मुझे महंगा सा महंगा तरीन वंडा बनवा बना कर फार्मूला दें, ताकि वो समझते महंगे से ज्यादा बड़ा हो बहुत मोटा फरबा होगा, नहीं ये नहीं होता। वो देखना होता है बैलेंस्ड डाइट क्या है, उसमें क्या खल वो है, प्रोटीन है उसमें, नमकियात पूरे हैं उसमें, लहमियात के अलावा अलावा आप विटामिन्स कितने हैं उसमें, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो वो इसलिए मैं ये बनवाता हूँ और थोड़ा सस्ता भी बन जाए तो हर एक की पहुंच में हो। सर वो सिर्फ मैंने ये पूछना था कि आपने वो चने 40 किलो बताए थे, तो वो उसमें 20 किलो आपने बताए हैं, आपने बोला था जेरी आपके पास मेसर है या नहीं, किस गर्मी में जेरी की कीमत आप कुछ ऐड कर सकते हैं? क्या चीज? जेरी। जेरी बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ठंडी है, ठंडी है, जई तो बहुत ठंडी है, जौ भी देखे, जई हो गई जौ हो गए, ये ठंडा है, ठंडा तासीर है। और गर्मियों में जौ का तो मैं उसका जरूर डलवा देता हूँ, आपने देखा होगा गर्मियों के वंडे आप जाए, जब गर्मियों के वंडों में जाएंगे तो उसमें मैंने जौ डलवाया हुआ है। सर वही मैंने डाला 20 किलो जो डाल दिया, 20 किलो चने डाले, 10 किलो दही डाल दिया, 10 किलो मक्की डाल दिया, खल डाल दी, वो जितना आपने बताया। वेरी गुड। और साथ उसमें मिनरल मिक्सचर तो आप दे ही रहे हैं एक्स्ट्रा या डी, वो भी देते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आपके रिजल्ट मिलेंगे मेरी जान। इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे हैं, वैसे पूरे साल से आपके फार्मूले अल्लाह अकबर। बस वो है कि जितने भी मेरे प्रोग्राम्स लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज इसको जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, खुदा के लिए नीचे कमेंट्स भी लिख दिया करें। अब देखे ना, कमेंट्स लिखने बहुत जरूरी हैं, कई लोग कमेंट्स पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि यार ये बंदा, अब जैसे एक मैंने, चलो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे एक भैंस की बिनाई लौट आई वापस, देखें एक नाबीने को अल्लाह ताला उसको आंखें दे दे तो उससे बड़ी और क्या है। वो मेरी एक छोटा सा इलाज बताया, और वो रहीम यार की हमारी बेटी है, उनकी भैंस और सफेदी आई हुई आंखों में, बिल्कुल नजर ही नहीं आता उसको, तो उसको मैंने ड्रॉप्स दिए, वो ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना नीचे कमेंट्स जरूर होने चाहिए कि जी मेरे, हाँ ठीक है, चले ठीक है, जिंदाबाद, ठीक है, दुआओं में याद रखें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरह अल हजर की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जाता है उसे खोल कर बयान कर दें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें, फ़ीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।